नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या जिले के चर्चित टॉप 5 बाहुबली के बारे में। इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। इंद्र प्रताप तिवारी मसी साकेत महाविद्यालय से किए थे। अपने समय से बहुत स्कॉलर छात्र रहे हैं। छात्र संघ चुनाव में वो सक्रिय राजनीति में आए थे। छात्र संघ राजनीति में सक्रिय रहे और वहीं से राजनीति आने की ठानी। वर्ष 1994-95 में साकेत कॉलेज के महामंत्री रह चुके थे। जिला पंचायत सदस्य 2 बार वह निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर अयोध्या विधानसभा सीट से लड़े, लेकिन उन्हें लल्लू सिंह ने हराया। वर्ष 2017 में खबूत बीजेपी अपना दल सहयोगी से विधायक बनने में कामयाब हुए। फिर इनकी पत्नी वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव में मैदान में थी, जहां उन्हें अभय सिंह ने हराया। नंबर 2 पे आते हैं अभय सिंह। आपको बताते चले, अभय सिंह राजनीति का ककहरा अपने नाना राज केसर सिंह पूर्व सांसद जौनपुर के यहां से सीखा था। अभय छात्र राजनीति से अपना राजनीति की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद अभय सिंह बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर उन्होंने सपा पार्टी में शामिल हो गए। सपा के टिकट पर वह वर्ष 2012 में विधायक बनने में कामयाब हुए। वर्ष 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन खब्बू तिवारी से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। वर्ष 2022 के चुनाव में अभय सिंह ने खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को हराकर विधानसभा में दस्तक दी। नंबर 3 पर आते हैं बाहुबली मित्रसेन यादव के सुपुत्र आनंद सेन यादव। आनंद सेन यादव अपने पिता के साथ ही रहकर राजनीति सीखा और वह राजनीति में आए। वह अपनी राजनीति की असली पारी 2002 से शुरू की। आनंद सेन यादव वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से पहली बार जीत दर्ज की और विधायक बने। इस सीट पर वर्ष 2004 में उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव की जीत हुई। वर्ष 2007 के चुनाव में आनंद सेन बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े, जहां वो जीतने के बाद राजमंत्री भी बनाए गए मायावती की सरकार में। नंबर 4 पर आते हैं विकास सिंह देवगढ़। विकास सिंह देवगढ़ की पहचान एक दबंग नेता की है। वह महाराजगंज थाना का इंस्टीट्यूटर बताए जाते रहे हैं। उस पर पहली बार मुकदमा वर्ष 1995 में थाना राम जन्मभूमि में दर्ज हुआ था। छात्र नेता राम गोपाल मिश्र उर्फ अन्ना की हत्या में उसे कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का सह आरोपी बनाया गया था। विकास सिंह पर जिले के विभिन्न थानों में 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या सहित गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट तक शामिल हैं। विकास के संबंध पूर्वांचल सहित प्रदेश के कई बड़े बाहुबलियों नेताओं से जगजाहिर है। अपराध के साथ साथ राजनीति में भी विकास ने अपनी पहचान बनाई है। जिले में विकास की सियासी पहचान भाजपा समर्थक एवं समाज सेवी के रूप में है, जबकि इससे पहले वह बसपा का समर्थक था। गत विधानसभा चुनाव में विकास ने भाजपा नेता इंद्र प्रताप तिवारी की पत्नी का प्रचार संभाला था। वह वर्तमान में एनआईए की गिरफ्त में है, क्योंकि उसका लिंक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से था। नंबर 5 पे आते हैं जितेंद्र सिंह बबलू सिंह। जितेंद्र सिंह बबलू सिंह विधायक बीकापुर रहे हैं। वह वर्ष 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। साल 2009 में रीता बगुड़ा जोशी का घर जलाने के मामले में उनके खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान साल 2011 में बबलू का नाम सामने आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी धारा 307, 147 और 149 भी लगा दी थी, जिसके बाद जितेंद्र सिंह को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।